गुड मॉर्निंग ऑफ यू, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सब जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम एनिमल्स है। क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स क्या होता है? जानवर। तो आज हम लोग जानवर के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जानवरों के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ जानवर हमारे साथ रहते हैं, कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वो केवल सामान ढोने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरह से जानवर के भी कई प्रकार हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं इन सब के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल्स चैप्टर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। तो हमारे चारों तरफ जो है ना, बहुत सारे प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। दे आर फाउंड ऑन लैंड, इन वाटर एंड एयर। ये जो है ना, लैंड पे, जमीन पे, वाटर में और एयर में पाए जाते हैं। एनिमल्स गिव्स अस मेनी यूजफुल थिंग्स। जानवर जो है बहुत यूजफुल थिंग्स जो है हमें देते हैं, हम उनसे प्राप्त करते हैं बहुत सारे यूजफुल थिंग्स। जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गए, उससे हम दूध, दूध से क्या बनता है? दही बनता है, पनीर, बहुत सारे चीज़ बनते हैं। उसके बाद जो है हम मीट प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीज़ हम जानवरों से बहुत सारे चीज़ प्राप्त करते हैं। अब है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कुछ जानवर जो होते हैं ना, हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, हम उनके लिए क्या बनवाते हैं? शेड बनवाते हैं। तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे काऊ हो गए, बफैलो हो गए, गोट हो गए, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। अब कुछ जानवर जो होते हैं ना, वो लोड्स ढोते हैं, हम लोग के लिए सामान ढोते हैं। जैसे हॉर्स हो गए, डंकी हो गए, कैमल हो गए, एलिफेंट हो गए। और कुछ जो है जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं? फर और ऊल। जैसे कैमल, याक, शीप, गोट, इन सब से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जंगली जानवर। वाइल्ड मीन्स क्या होता है? तो जंगली, और एनिमल्स मीन्स जानवर। तो वैसे जानवर जो कहाँ रहते हों? जंगल में। तो एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट। जानवर जो कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में रहता हो, दैट इज वाइल्ड एनिमल्स। वी कैन ऑल्सो सी वाइल्ड एनिमल्स इन ए जू और नेशनल पार्क। तो हम इसे कहाँ देखते हैं? नेशनल पार्क में भी देख सकते हैं और चिड़ियाघरों में भी जाकर देख सकते हैं। जैसे टाइगर, लायन, बियर, ये सब, फॉक्स। अब देखते हैं पेड एनिमल्स। सम एनिमल्स विच वी कीप एट होम आर कॉल्ड पेड एनिमल्स। कुछ पालतू जानवर होते हैं जिसे हम पालते हैं, जैसे डॉग को, कैट को, रैबिट को, इन सब चीज़ों को हम पालते हैं। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स। वैसे जानवर कुछ जो पानी में रहते हो। तो सच टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहता हो, दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। जैसे फिश हो गए, शार्क हो गए, ऑक्टोपस हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, ये सब वाटर एनिमल्स कहलाते हैं। अब देखते हैं बर्ड्स के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में। तो हम बहुत सारे प्रकार के बर्ड्स देखते हैं, जैसे, और अधिकांश बर्ड्स जो है ना वो फ्लाई करते हैं। और फ्लाई किससे करते हैं? किसके थ्रू? अपने विंग्स के थ्रू। तो जैसे क्या हो गए? पैरोट्स हो गए, क्रो हो गए, पिजन हो गए, ये सब क्या है? किंगफिशर हो गए, ये सब फ्लाई करते हैं। और सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल। कुछ जो है ना बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसको हम लोग इंसेक्ट्स कहते हैं, जो सभी जगह मिल जाते हैं। जैसे आपके हनी बी हो गए, बटरफ्लाई हो गए, उसके बाद ग्रास शोपर हो गए, एंट हो गए, ये सब आपको बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। तो इस तरह से एनिमल सेफ्टर क्या हो जाती है? समाप्त होती है। अब जो है ना न्यू वर्ड्स हैं, जैसे अराउंड, इन द रीजन ऑफ, नियर, क्लोज टू, कीप, स्टे और रिमेन, फ्लाई, टेक ऑफ। तो ये सब आपको रिमेम्बर करना हो और क्विक रिकैप को याद भी करना है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बार बार बोला था और हर क्लासेस में बोलता हूँ
कि आप लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर हमें सेंड कीजिए, बट आप कोई जो है कंसर्स होके इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।